स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद में मत्स्य विभाग द्वारा जलाशय में मछली जीरा छोड़ा। खबर झारखंड के धनबाद के पंचेत के जलाशय में मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा मछली जीरा छोड़ा गया। इस मौके पर मौजूद विभागीय डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार गुप्ता ने बताया, पंचेत जलाशय में आज 12,50,000 मछली जीरा छोड़ा गया। इस योजना का उद्देश्य जलाशयों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का रोजगार सृजन करना है, जिससे जलाशय के आसपास रहने वाले बेरोजगार रोजगार पाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, इससे उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, परिवार का भरण पोषण हो। जीरा संचयन के दौरान जिला मत्स्य अधिकारी उषा जी मौजूद थे। धनबाद जिला बीओमरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? इसे लाभ किस मिल रहा है हम लोगों को? मैंने पिछले कितने वर्षों से छोड़ा जा रहा है यहाँ पर? ये बहुत पहले से ही छोड़ा जा रहा है। हर साल हम लोग देख सकते हैं तरफ से मदद भी आ रहा है, इस तरह का काम जो हो रहा है, अच्छे से ढंग से काम भी हो रहा है और सब किसानों को फायदा भी मिल रहा है। मैं जीविका चलाने में सहयोग हो रहा है, जीविका चलाने में सहयोग भी हो रहा है और सरकार से अनुरोध है कि और मछली जो संख्या का बढ़ाया जाए। इस वर्ष कितना छोड़ा गया अभी? 12.5 लाख। 12 लाख इतना बड़ा डैम है, कम से कम 50। और सरकार को इसे क्या कहना चाहिए, धन्यवाद कैसे दे रहे हैं आप? मैं सरकार को धन्यवाद ये है कि हम लोग गरीब और बढ़ाना चाहिए संख्या में बढ़ोतरी करें तो किसान को और फायदा मिलेगा। आपका परिचय क्या हो? मेरा नाम सलीम अंसारी, स्थानीय जी समिति सचिव भी हम हैं। धन्यवाद। जलाशय में भारतीय मेजर कार्प और ग्रास कार्प मत्स्य अंगलिकाओं का संचयन किया जाना था, उसी सिलसिले में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें भारतीय मेजर कार्प 9.5 लाख मत्स्य अंगलिकाओं का संचयन किया जाना है, उसका भी किया गया, और ग्रास कार्प जो है वो 2.5 लाख मत्स्य अंगलिकाओं का संचयन किया गया, कम्प्लीट हो गया है। आपका परिचय मैडम क्या हो? जिला मत्स्य अधिकारी। क्या नाम हो? धन्यवाद। किस विभाग के द्वारा सर ये मत्स्य छोड़ा जा रहा है? मत्स्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा ये संचयन किया जा रहा है। हम लोग प्राय सब जिलों में ये योजना के तहत जहाँ जहाँ जलाशय है सभी जगह मत्स्य अंगलिकाएं का संचयन हम लोग। कितना छोड़ना है सर? ये अभी आज यहाँ 12.5 लाख छोड़े हैं, कल हम लोग मैथन में भी संचयन किए थे और इसके बाद जो छोटा बड़ा और जलाशय छूट गया उसमें भी संचयन होगा। हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जलाशयों में संचयन हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका मेन उद्देश्य है, देखिए पहले हम लोग का नदी नाला में ना मछलियां ब्रीड करती थी, इसका अर्थात है मछली का बीज अपने आप प्राकृतिक रूप से वो लोग जन्म देती थी, पर हाल के दिनों में ये पर्यावरण के चलते या इसका डिस्ट्रक्शन के चलते नदी नाला में इसका ब्रीडिंग ग्राउंड चेंज हो गया, अब बीज उतना उत्पादन नहीं हो रहा। उसी का क्षतिपूर्ति करने के लिए हम लोग ये कतला रेहू मृगल और इसमें जलाशय में देखिए घास बहुत है, हम लोग ग्रास कार्प डाल रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है ये मछली भी बढ़े, और ये चूंकि ये दामोदर नदी में बैठा जुड़ा हुआ है ये डैम, और दामोदर नदी गंगा नदी में भी मिला हुआ है दुर्गापुर में जाके, तो इसका मेन उद्देश्य है जो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड भी फिर पनपे और ऑटो अपने ब्रीडिंग हो, और हमारा जो पंचायत जलाशय में जितने भी किसान मत्स्य कृषक हैं जिसका आर्थिक स्थिति इधर हाल के दिनों में मछलियों का नहीं रहने के कारण बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनका पुनः हम लोग उद्धार करेंगे और ये जीविकोपार्जन करेंगे और मछली भी प्राप्ति होगा। क्या आपका परिचय सर? हम डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज हैं। आपका नाम सर? संजय कुमार गुप्ता। धन्यवाद सर।